नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त सभी की निगाहें बनी हुई हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर। वेब दुनिया के माध्यम से हम लगातार ताजा सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुजरात और हिमाचल दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। बड़ी बात यह है कि शुरुआती रुझानों में जहां गुजरात में बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, वहां पर अब भाजपा के पक्ष में स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। लेकिन हां, पिछली बार के मुकाबले उनको सीटों का नुकसान अवश्य हो रहा है और जिस तरीके का चुनाव गुजरात में कांग्रेस ने लड़ा, निश्चित ही उन्होंने अपने जमीन में इजाफा किया है, अपने वोटों में इजाफा किया है। और पिछली बार जो 61 सीटें उनके पास थी उसके मुकाबले इस वक्त वो 74 सीटों पर आगे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर मुद्दे उठाए थे नोटबंदी के, जीएसटी के, जो कि बाद में जाकर दूसरे भावनात्मक मुद्दों में बदल गए, लेकिन उनको फायदा मिला। इसके अलावा जो जातीय समीकरण उन्होंने जमाए थे, हार्दिक पटेल वाला जो फैक्टर था, वो पटेल वोट निश्चित ही जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ माने जाते थे, उसमें सेंध लगाने में वो हार्दिक पटेल के माध्यम से कामयाब रहे। हाँ, ओबीसी का वोट और आदिवासियों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है, लेकिन इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन सरकार बनने के बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि जो गुजरात उनके सपनों का क्षेत्र है, जो गुजरात प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की जमीन है, उस गुजरात में अगर उनको इस तरह की कशमकश देखने को मिले, यह बात सही है कि 22 साल की एंटी इनकंबेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं था। कांग्रेस के पास वहां पर पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं था। शंकर सिंह वाघेला जैसे बड़े नेता जो कांग्रेस की उम्मीद हो सकते थे, वो भी पार्टी का दामन छोड़कर चले गए थे। उसके बावजूद अगर कांग्रेस ने इतने दमखम से चुनाव लड़ा है तो निश्चित ही 2019 की स्थिति हमको समझ में आती है। हिमाचल प्रदेश पर अगर हम वेब दुनिया के मुताबिक ये ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 41 सीट, मतलब कि बहुत स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता। और जो बड़ी बात ये नजर आ रही है कि इस बार जो एग्जिट पोल आए थे दोनों ही राज्यों के, वो बहुत सटीक बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका अगर हम औसत निकाले सभी एग्जिट पोल का, हिमाचल में उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात में उन्होंने कहा था कि 70 से 90 के बीच में सीटें अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक मिल सकती, कुछ में 60 भी थी, लेकिन अगर 80-90 के करीबी आंकड़ा जाता है तो भी एग्जिट पोल बहुत सही माने जाएंगे। और जो 105 से लेके 120, मतलब 120 से ऊपर सीटें नहीं मिल पाने की जो बात एग्जिट पोल में थी वो सामने आई है, इसका मतलब यह है कि 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बना पा रही है। और सरकार अगर वो उतनी सीटों के साथ नहीं बना पा रही है जितनी की उसे उम्मीद थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन करना ही होगा। और कांग्रेस अगर इस लड़ाई को यहां से लेकर 2019 तक और अभी 2018 के जो कई राज्यों के चुनाव हैं जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, उन चुनावों में भी बनाए रखती है, वहां के विधानसभा में भी इसी तरह का जोर लगाती है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को नई तरह की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। वेब दुनिया के माध्यम से लगातार हम आपके पास ताजा जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों के परिणाम हमें बता रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात जहां पर नरेंद्र मोदी ने लगातार तूफानी रैलियां की और अमित शाह ने अपनी रणनीति अपनाई, उसका परिणाम यह रहा कि वो सरकार तो बना ले गए। अगर वहां पर हार्दिक पटेल के माध्यम से पटेल वोटों में सेंध लग गई है तो निश्चित ही भाजपा के लिए यह चिंता का कारण है।